इस बुक का जो एक ड्रॉबैक है वो ये है, इसकी जो कमी है वो ये है कि इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है। अब बात आती है कि सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्या है भाई? एक बात बताओ, इस बुक के अंदर जो अच्छाई है वो ये है, साइंस प्लस जीके, मतलब इसमें दोनों चीज़ें हैं, प्लस इनके प्रैक्टिस सेट भी लास्ट में दे रखे हैं। मैं सारी बुक्स के बारे में बात करूंगा, फिलहाल यूथ के बारे में बात करूंगा, तो सुन आपने लेना इतने ध्यान अच्छे से। से समझाया, सारी चीज़ें बताई। अब इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि जो टॉपर्स लोग हैं, अगर वो मेहनत करना चाहते हैं खुद से, तो आप एनसीईआरटी प्लस खान सर और एसके झा सर की बुक किसको लगानी है एनसीईआरटी के साथ, इसके लिए आप लोग देखिए वीडियो कंप्लीट। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर इस वीडियो पर रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा दी गई हैं, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही आप लोग कंक्लूजन निकालना कि कौन सी बुक को फॉलो करना है, कौन सी बुक को नहीं फॉलो करना है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो आप लोग ये विश्वास मानिए कि मुझे हर सब्जेक्ट की वीडियो बनानी है कि किस सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या बुक पढ़नी है, वो तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन आप लोगों के लिए ये वाली मैं चीज वीडियो बनाना चाहता हूं कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है और इन डेप्थ कहां तक जाना है, किस सब्जेक्ट में कितनी डेप्थ तक जाना है। तो अगर आप चाहते हो कि वो सारी वीडियोस आए, तो आप इस वीडियो को अच्छे रेस्पॉन्स देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। अब आगे की आप वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। हेलो ठीक है, तो वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बहुत बड़ी पहेली सुलझने वाली है, मतलब जो बच्चों के डाउट थे ना कि भैया साइंस के लिए खान सर की बुक पढ़नी है, एस के झा सर की बुक पढ़नी है या यूथ की बुक पढ़नी है। मतलब मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने भी पहले 25 मार्क्स को टारगेट कर रखा है। हम लोग साइंस के जो 25 मार्क्स हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सॉलिड मार्क्स हैं। जीके का रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे के एग्जाम्स में कुछ भी पता नहीं रहता है कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए मैंने तीन सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ साथ करंट जीके और स्टैटिक जीके को लेके चल रहे हैं, लेकिन उसमें कंफर्मेशन नहीं होता है कि कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आज हाँ, आप लोगों का ये वाला डाउट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि भाई हमें कौन सी बुक साइंस के लिए फॉलो करनी है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों को मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल आप इतना सुन लो कि हम मंगलवार से शुक्रवार तक पढ़ाई करते हैं और सैटरडे के दिन हम लोग रिवीजन करते हैं जो 4 दिन में पढ़ा है, और संडे के दिन हम लोग पूरे दिन रिवीजन करते हैं जो आज तक पढ़ा है, और संडे की इवनिंग में हम लोग टेस्ट देते हैं, और उसके बाद एनालिसिस का टेस्ट जो देते हैं वो टेस्ट बुक पे देते हैं, और उसका एनालिसिस करते हैं हम मंडे के दिन। पूरा दिन एनालिसिस के लिए दे रखा है मंडे का, और टेस्ट मैं डिसाइड करता हूं कि कौन सा टेस्ट देना है, और फिर बच्चे जो अपना मार्क्स और रैंक इंप्रूवमेंट दिखाते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से बच्चों के मार्क्स और रैंक इंप्रूव होते रहते हैं। तो आज हम बात करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि टेस्ट बुक लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वैसे टेस्ट बुक पे आप देख सकते हैं हमारा GSP 10 के नाम से कोड है, और उससे अब हम लोग भी गिव अवे करेंगे कुछ टेस्ट सीरीज का। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टेस्ट सीरीज देंगे, और हमारे नाम से VIP गुरुजी स्पेशल एक टेस्ट होगा, ऑल ओवर इंडिया टेस्ट होगा, और जो लोग उसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे और अच्छी रैंक लाएंगे उन लोगों को हम 15 से 20 लोग चुने या 50 लोग चुने, जितने भी लोग चुनेंगे उन लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल जो है बात करते हैं, जो आप लोगों का डाउट है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है खान सर की बुक, ये देख लो। और ये वाला डाउट भी खत्म करूंगा कि मैं जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करता हूं वो किस बुक से करता हूं, ये है अपनी स्पीडी की बुक, और इन सारी बुक्स के बारे में बताऊंगा। एक बुक एक एक बुक एक से एक बढ़ के है, लेकिन आपको कौन सी फॉलो करनी है उस चीज को ध्यान देना है। अगर आपको 25 में से चलो 25 भी नहीं तो कम से कम 20 मार्क्स तो आए, तो कौन सी बुक को फॉलो करना है, और सॉलिड मार्क्स होने चाहिए, मतलब इसमें से मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि हम लोग अपने प्रोग्राम में किस बुक को ले रखा है और क्यों। देखो मैं क्या कर रहा हूं, एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये रही एनसीईआरटी, ये 10th की एनसीईआरटी है, ये 9th की एनसीईआरटी है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी तो फॉलो करनी ही है, क्योंकि उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं टारगेट में एनसीईआरटी देता हूँ, अब इसके बाद बात आती है, एनसीईआरटी को तो फॉलो करना ही है, इसके बाद हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखो इस चीज़ का आप ध्यान रखना जो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की PDF दे देता हूँ, जो बहुत गलत बात है। मैं सिर्फ इसलिए दे देता हूँ कि कुछ लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, दे दी, लेकिन आपके पास ये हार्ड कॉपी में होनी ही चाहिए। दो चीज़ें आपके पास हार्ड कॉपी में होनी ही चाहिए, एक आपका सिलेबस, जो आपका सिलेबस है वो, और दूसरा आप लोगों के पास जो ये बुक्स हैं वो सारी की सारी हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, ये नहीं कि PDF से आप काम कर रहे हो। अब मैं बताता हूँ कि मैं किस बुक से आप लोगों को देता हूँ, तो मैं देता हूँ ये जो खान सर की बुक है, आप लोग देख सकते हैं इसमें,
ये देख रहे होंगे आप, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं। लेकिन इस बुक का जो एक ड्रॉबैक है वो ये है, इसकी जो कमी है वो ये है कि इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है। अब बात आती है कि सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्या है? भाई एक बात बताओ, इस बुक के अंदर जो अच्छाई है वो ये है, साइंस प्लस जीके, मतलब इसमें दोनों चीज़ें हैं, प्लस इनके प्रैक्टिस सेट भी लास्ट में दे रखे हैं। मैं सारी बुक्स के बारे में बात करूँगा, फिलहाल यूथ के बारे में बात करूँगा, तो सुन लेना ध्यान से। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों चीज़ें सारे क्वेश्चन इन्होंने ले लिए, जीके के भी, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब ले रखा है, तो भाई आप लोगों को पता है कि बुक मोटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा अगर ये सॉल्यूशन देंगे तो। अब मैं बताऊंगा कि किसे ये बुक फॉलो करनी है, किसे नहीं करनी है, उसके बाद आप सुन लो, पहले सारी बुक्स की खूबियां सुन लो। इस बुक की खूबी यही है, मैंने आप लोगों को बता दिया, देखो ये चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये सस्ती है, बहुत अच्छी बुक है, ये प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं इस बुक की, तो देखो आप देख सकते हैं सारे के सारे बिल्कुल चैप्टर वाइज किस तरह से क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ऐसे ही पीछे जीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये देख सकते हैं आप जीके के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में इन्होंने प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं, ये देख सकते हैं आप प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ये इसकी अच्छाई थी। अब जरा तुम आप दूसरी बुक सुनो, ये है यूथ की बुक। ये जो बुक है इसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिए हैं, इन डेप्थ दिए हैं, जो खान सर की बुक में नहीं है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि खान सर की बुक दो चीज़ों को कवर कर रही है और तब इतनी मोटी है, और ये सिर्फ साइंस को कवर करती है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को ही कवर करती है, जीके कवर नहीं करती है, ना स्टैटिक जीके ना कोई सी भी जीके, तो तब भी ये इतनी मोटी है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसका क्या है, और इसके सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं, मतलब इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, इन डेप्थ दे रखा है, बाकी चीज़ें सेम है, मतलब इन्होंने भी दिखा रखा है कि आरआरबी एलपी में कौन सा आया था, ग्रुप डी में कौन सा आया था। लेकिन इसकी एक चीज़ है भाई, वही बता दिया मैंने कि ये मोटी बुक है काफ़ी, और सॉल्यूशन इसमें दिए हुए हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि आपको कौन सी फॉलो करनी है, पहले आप जान लो कि किस बुक में क्या चीज़ें दी हुई हैं। वैसे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि एलपी जेई में अगर कौन सी बुक खरीदते हो तो बहुत अच्छी रहेगी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा ये दो बुक्स हो जाती हैं, एनसीईआरटी का आपको पता ही है बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी का नो डाउट, एनसीईआरटी में चित्रों से समझाया जाता है, इस वजह से बहुत अच्छे से समझ आता है, क्योंकि बच्चों को समझाया जाता है एनसीईआरटी से, और आप बच्चे बन के ही पढ़ोगे तो आप बड़े आराम से समझ लोगे। इसके अलावा एक ये बुक है स्पीडी की, ठीक है, लेकिन ये इन बुक्स के सामने फीकी पड़ जा रही है अब, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। पहले खान सर की बुक नहीं थी, एसके झा सर की बुक नहीं थी, ये वाली बुक्स नहीं थी, ना यूथ की बुक थी इतनी अच्छी, तब इस बुक को बहुत अच्छा माना जाता था, और आज भी नो डाउट अच्छी बुक है। लेकिन आप लोगों को कौन सी बुक फॉलो करनी है, इसके लिए आप लोगों को देखना है। इसके बाद आती हैं ये लूसेंट, अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी बुक मानी जाती थी जब तक ग्रुप डी में न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते थे, तो यहाँ से क्वेश्चंस फंसते थे, सारे एग्जामों को क्वेश्चंस फंसते थे। आज भी नो डाउट बायो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसते भी हैं, ठीक है। तो इस बुक का आपको पता है इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं दे रखे हैं, और इतनी सी बुक में सब कुछ कवर किया हुआ है, तो बहुत छोटा छोटा लिखा है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक जगह पर समेट के दे दी हैं। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो, जो दो तरह के बच्चे हैं, एक बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, और एक मतलब ऐसे ही हैं, एवरेज हैं या लोअर क्लास में हैं। अब आप ये सुनो, आपको एनसीईआरटी, चाहे आप टॉप क्लास में हो चाहे आप लोअर क्लास में हो, किसी में भी हो, आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी ही है। अब मेरा क्या मकसद है कि मैं आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराता हूँ, मैं खान सर की बुक से, ये वाली बुक, बहुत बच्चे पूछ रहे थे, अभी ले मत लेना, कभी आप ले लो ये बुक, नुकसान कर लोगे, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, मैं इस बुक से आप लोगों को क्वेश्चंस देता हूँ। अब क्यों देता हूँ, इसमें सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या करते हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हो, मतलब आंसर इसमें दिया हुआ है लेकिन सोल्व करने के लिए आप जाके ढूंढते हो एनसीईआरटी से, तो आपका दिमाग चलता है, जिससे आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को लंबे टाइम तक याद कर पाते हो, और आप अगर क्वेश्चन सोल्व भी करते हो तो आपको पता रहता है कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन वहां से किया था, तो आपके जो दिमाग में चीजें बहुत अच्छे से फंस जाती हैं जब आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को ढूंढते हो। वैसे मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराता हूं, वो उनसे भी तुम्हारा दिमाग चलता होगा। तो ये फायदा है सिर्फ इस बुक का, इसमें आंसर इन डेप्थ नहीं दिए हुए हैं, तो आप लोग जाके पढ़ते हो तब आपको मजा आता है, ठीक है। जबकि अगर आपने यूथ की बुक ले ली, एसके झा सर की बुक के बारे में मैं बात करने वाला हूं, बहुत अच्छी बुक है, उसके बारे में बताऊंगा नो डाउट। इस बुक की अगर बात करते हैं, तो ये बुक अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में ही पढ़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में, तो इससे हरामखोर बन सकता है बच्चा। हरामखोर बनने का मतलब यह है कि वो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, वो ढूंढेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं
आप एनसीईआरटी से कर लो, ठीक है, आपने एनसीईआरटी से कर लिया, उसके बाद आपने जो मैंने क्वेश्चन दिए वो ढूंढ लिए, अपनी फुल मेहनत कर ली, उसके बाद जब चीज़ें नहीं हो रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं, आप इस बुक को पढ़ सकते हो। लेकिन अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सिर्फ दो बुक्स पढ़नी है, ये नहीं कि ये भी, इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ी जाएंगी। तो ये वाली चीज़ हो गई इसकी। अब मैं बात करता हूँ एस के झा सर की बुक में क्या है। एस के झा सर ने बहुत अच्छे से क्या किया हुआ है, देखो एनसीईआरटी का कोई विकल्प नहीं है, एनसीईआरटी तो कंपलसरी है। एस के झा सर ने क्या किया हुआ है अपनी बुक में, मैं लगा दूंगा यहाँ पे, उन्होंने अपनी बुक में ये किया हुआ है कि सारे चैप्टर का थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो दे दी हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बुक में ये नहीं लिखा है कि ये आरआरबी एएलपी में आया है, ये जेई में आया है, ये किस में आया है। इस वजह से बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है, अदरवाइज़ उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, कुछ नहीं कह सकते। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है। देखो एनसीईआरटी नहीं है तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी आपके पास होनी ही चाहिए। अब जिसके पास यूथ है वो यूथ रखे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यूथ पढ़ सकता है वो। लेकिन पहले मैंने बताया, पहले अपना दिमाग चलाना है क्वेश्चंस पे, क्योंकि अगर यूथ में तुम्हें डायरेक्ट आंसर दिख जाता है, नीचे सॉल्यूशन दिख जाता है, तो आप दिमाग नहीं लगा पाते हो। अगर आपको करा कराया मिल जाता है तो आप दिमाग नहीं लगाते हो, सोल्व भी नहीं करते, तो आपके दिमाग में चीज़ें नहीं फंसती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर किसी के पास यूथ है तो पहले उन क्वेश्चंस पे दिमाग लगा ले, फिर यूथ से क्वेश्चंस कर सकता है। तो आपके पास दो बुक्स हो गई, एक एनसीईआरटी और यूथ, आपका काम खत्म। अब जिसके पास एस के झा प्लस एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी सबको पढ़नी है। एस के झा से आप जाके पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें क्या है, जो आप लोग देखते हो कि भाई मैंने जैसे केमिस्ट्री में कराया, तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, निचोड़ मिल जाएगा एक जगह पे। उस निचोड़ को पढ़ो, फिर उनके ऑब्जेक्टिव लगाओ, आप लोग कर लोगे। लेकिन आप लोगों को जो मैं ऑब्जेक्टिव देता हूँ वो वाले क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाना जरूरी है, क्योंकि इनकी एस के झा सर की बुक में आरआरबी एएलपी ग्रुप डी इस तरह से लिख के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। ये हो गई, तो एनसीईआरटी प्लस एस के झा ले सकते हो, लेकिन सारी बुक्स नहीं लेनी है, एक ही बुक लेनी है, चाहे एस के झा सर की लो या ये लो। खान सर की बुक वो लोग लें जिन्हें सॉल्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खान सर की बुक वो लोग लें जिन्हें मेहनत करनी है, मतलब वो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं, उनको समझ है, अगर सब्जेक्ट की अच्छी समझ है वही लोग खान सर की बुक लें। अदरवाइज़ आप लोगों को अगर सब्जेक्ट की अच्छी समझ नहीं है तो आप एस के झा सर की बुक लें, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एस के झा सर की बुक ले लो, या फिर आप ये बुक ले लो जो कमज़ोर बच्चे हैं और जिन्हें चाहिए कि भाई मुझे जीके का भी पता चल जाए क्या क्या आई थी और मुझे ज़्यादा सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो वो खान सर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो यही कि एनसीईआरटी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और एनसीईआरटी के साथ आप इन तीनों में से कोई एक बुक लगाएंगे। कमज़ोर जो बच्चे हैं, जो वीक स्टूडेंट हैं, जिनके मार्क्स कम आते हैं, जिन्हें समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन कैसे हो गया क्या हो गया, वो या तो यूथ लगाएंगे या एस के झा सर की बुक लगाएंगे। एनसीईआरटी प्लस एस के झा, मेरे हिसाब से इसे छोड़ के ये भी ना लगाई जाए, आप एनसीईआरटी प्लस एस के झा लगा लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी खान सर की बुक से तो मैं क्वेश्चंस देता ही हूँ, तो खान सर की बुक अगर नहीं भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी प्लस एस के झा लगा लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी कंपलसरी है, इस बुक को नहीं भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इसकी कि ये वाली बुक का क्या है। तो अब इस बुक का कोई रोल नहीं है फिर, अगर आपने उतना कर लिया है तो, क्योंकि अब क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज हो गया है, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, फिर इसका कोई रोल नहीं है। वैसे हम लोगों ने जो पढ़ी थी उस टाइम पर, हमने एनसीईआरटी प्लस ये बुक पढ़ी थी, ठीक है, और लूसेंट से कुछ चीज़ें कवर करते थे, ठीक है। बाकी मैं बायो के लिए अपने नोट्स से पढ़ता था, क्योंकि बायो मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि मैं पीसीएम का स्टूडेंट था, ठीक है। फिर सॉल्यूशन यही निकलता है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और सॉल्यूशन यही है इस चीज़ का। लास्ट में कंक्लूजन ये है कि आपको क्या करना है भैया, आप एनसीईआरटी के साथ एस के झा लगा लो या एनसीईआरटी के साथ यूथ लगा लो, एक ही बुक लगाना, सारी बुक्स नहीं लगानी है, ठीक है। और खान सर की बुक्स वही लोग पढ़ें, खान सर के मैं दे देता हूँ आप लोगों को, लेकिन खान सर की बुक्स वही लोग पढ़ें जो लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और वो लोग दिमाग लगा सकते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, कोई भी बच्चा बिना अपना दिमाग लगाए डायरेक्ट अगर यूथ से पढ़ेगा या एस के झा से पढ़ेगा और वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं ढूंढेगा तो उसे करा कराया सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर ये चीज़ें हैं। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम में है, हम लोग जिस तरह से पढ़ते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ अगर परचेज करना चाहते हो कर लो, क्योंकि हम हर हफ्ते टेस्ट देते हैं। और GSP 10 अगर आप यूज़ करते हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं लगातार आप लोगों के लिए इसी तरह से सारा कंटेंट लाता रहूँगा। और एक चीज़ ध्यान रखो,
हर सब्जेक्ट पे किस बुक को पढ़ना है वो तो ठीक है, किस सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है इसकी भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, और आप लोगों के पास कंटेंट होगा, आप उसके अनुसार आराम से पढ़ सकते हैं कि जीके में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन इन जो हर सब्जेक्ट की मैं वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ वो तभी वीडियो आएगी जब आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। अगर वीडियो पर रेस्पॉन्स सही नहीं मिलता है तो फिर उन वीडियो के आने की संभावनाएं नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो वीडियो है इसे अच्छे से शेयर करना सारे दोस्तों के साथ, सबको, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे की वीडियो बना सकूं, जो भी आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है। ठीक है, फिर मिलेंगे, टेक केयर।